वेक्टर 3D में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है ना। तो वेक्टर सबसे पहले, वेक्टर 3D जो चैप्टर है इसका सबसे पहला पार्ट अपन लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वेक्टर। तो वेक्टर तो लिखना चालू करो फटाफट आप लोग भाई। पहली बात इसकी हो सकती है, वेक्टर की पहली बात जो होती है कि आप सबने पढ़ा होगा कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। दोनों जिसके पास हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जिसके पास हो। सेकेंडली वेक्टर, अभी भी ये कंप्लीट बात नहीं है वेक्टर की, ये नहीं है कि ये वेक्टर अभी भी कहलाएगा। इसमें एक और समस्या है, जब तक ये वेक्टर, एंड सेकेंड चीज आपका ये है कि इट फॉलो द लॉ ऑफ ट्राइंगल। आप आगे चल के मैं बताऊंगा कि लॉ ऑफ ट्राइंगल है क्या। इट फॉलो द लॉ ऑफ ट्राइंगल, अगर ये दोनों को जो फॉलो करेगी वही आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये लॉ ऑफ ट्राइंगल को भी फॉलो करती है, और आपका ये और ये इसमें वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। वेक्टर हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब क्वांटिटी जो है कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आपका एक और क्वांटिटी आपने नाम सुना होगा, करंट। क्या उसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन क्या वो लॉ ऑफ ट्राइंगल को फॉलो करती है? क्योंकि वो आपका इधर से अगर मान लो और ऐसे गया, यहाँ पे अगर एक करंट आई आ रही है और यहाँ पे भी एक करंट आई आ रही है, यहाँ से कोई निकल रहा है तो यहाँ से 2i बाहर निकलेगा। अरे बात समझ में, यानी सिंपल एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, एक नई क्वांटिटी इसका नाम होता है, जिसका नाम आपको आगे चल के पढ़ना होगा, जब 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो पढ़ेंगे, उसका नाम होता है टेंसर क्वांटिटी। तो आपका जो लॉ ऑफ ट्राइंगल को फॉलो करे और जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा नंबर स्केलर क्या होता है, अ क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सेकेंडली फोर्थ नंबर पे आते हैं कि जो वेक्टर होता है ये एक लाइन सेगमेंट होता है। जो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। कैसे, जैसे देखो ये आपने एक लाइन खींचा, ये अभी तक वेक्टर नहीं है। जब इसमें आपने डायरेक्शन डाल दिया तो ये वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर हो गया तो डायरेक्शन डालने से मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं से ट्रेवल कर रही है। अगर ट्रेवल कर रही है तो कहीं से स्टार्ट किया होगा, और जहां से स्टार्ट किया होगा उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, जहां पे खत्म हो जाती है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि ये आपका टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गया, तो ये होता है टर्मिनल पॉइंट। ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, ये आपका कहलाता है। यानी कोई भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक लाइन सेगमेंट के थ्रू होता है, जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होते हैं। चौथे के बाद पांचवे नंबर पे आते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर पे आते हैं। पांचवे के आप वेक्टर की बेसिक चीजें के बाद टाइप ऑफ वेक्टर्स पे आते हैं। देखो टाइप ऑफ वेक्टर्स में पहला जो वेक्टर हम लिखेंगे वो लिखेंगे नल वेक्टर। फटाफट लिखो कि नल वेक्टर क्या होता है। हाँ लिखो, अगर कोई डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो। हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बस 5 मिनट लगेगा ये जो बेसिक है इसके खत्म करने में, नल वेक्टर और ये सब चीजें। नल वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, इज कॉल्ड नल वेक्टर।
The direction of null vector is undefined. The direction of null vector is undefined. Null vector का direction undefined होता है, ठीक है? Represent किया जाता है, इसको represent किया जाता है जीरो वेक्टर से, जीरो और उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं ये जीरो हो जाता है। जैसे कभी अगर लिखा हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो ये सिंपली जीरो का मतलब ये जीरो नहीं है, ये जीरो वेक्टर है, ये नल वेक्टर है, ठीक है ना। और नल वेक्टर का कहने का मतलब ये एक सिंपल पॉइंट होता है जिसका डायरेक्शन कोई डिफाइंड नहीं है, ये इसका डायरेक्शन कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ये एक वेक्टर इसका नाम है, तो ये आपका एक वेक्टर के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फिर आते हैं, अच्छा ये भी पता होगा कि नल वेक्टर को किसी में जोड़ोगे घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आते हैं इसके बाद सेकेंड नंबर पे यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन फटाफट लिख लेंगे, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सेकेंड, हाँ यूनिट वेक्टर आगे ऐसे डालकर सेकेंड पॉइंट है इसमें कि रिप्रेजेंटेड बाई जैसे ए टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद डिफाइंड कैसे होता है, ए टाइप डिफाइन होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। यूज क्या है इसका, जरूरत क्यों पड़ी, तो यूज क्या है, यूज है टू गिव द डायरेक्शन ऑफ, टू गिव द डायरेक्शन अलोंग वेक्टर ए, अलोंग वेक्टर ए, ए वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन देने के लिए इसकी जरूरत पड़ी यूनिट वेक्टर की, अदरवाइज यूनिट वेक्टर के बिना काम चल सकता था, यूनिट वेक्टर के बिना काम चल सकता था, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जैसे क्यों सर कैसे जरूरत पड़ी इसको आपके डायरेक्शन देने का, आप जरा देखो यहाँ पे एक ये वेक्टर है, यहाँ पे ये मैंने माना कि ये वाली जो वेक्टर, ये जो लंबाई है ये आपका कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर ए है। पहले तो आप समझते हैं कि कैसे यूनिट वेक्टर बनाया, कैसे क्या होगा। देखो एक मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर ए है जिसका इस वेक्टर ए का कुछ मैग्नीट्यूड पांच है, मतलब ये पांच यूनिट का कुछ वेक्टर दिया गया, पांच का, चार का, तीन का, कुछ भी लिया गया ऐसे। अब इस यहां से यहां तक इसका मतलब ये होता है कि यहां से यहां तक इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितना है, पांच। अब मैंने इसको क्या किया कि पांच है, चार, चार लिखा है तो चार है। अब इसको चार बराबर बराबर पार्ट में काट दिया तो अब हर एक पार्ट की लंबाई कितनी हो गई, वन हो गई कि नहीं हो गई। अब ये हर, अच्छा बताओ कितने से हमने इसमें, हम कितने से डिवाइड किए हैं, क्या ये मॉड ए से ही डिवाइड किए हैं क्या, और अब हर एक पार्ट की लंबाई कितनी हो गई, वन। अब मुझे इसमें इसको अगर मान लो कि कोई एक वेक्टर होता, कि कोई एक वेक्टर बी होता जो इसी के अलांग होता लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड छह होता, तो मैं कहता कि अगर मुझको इसी के अलांग इसको बताना है तो इस छह वेक्टर में, इस मॉड बी के छह में अगर मैं ए यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अब ये छह यूनिट का लंबाई का वेक्टर आ गया क्या इसी डायरेक्शन में। अब मैं लिख सकता हूं ना कि ये बी इसी डायरेक्शन में छह यूनिट की लंबाई का वेक्टर हो गया, इसको मैंने कह सकता हूं कि हाँ अब ये वेक्टर हो गया जो कि इस ए के ही अलोंग हो गया। तो ये आपका जो ए कैप है या यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन देने का काम करता है अपने ही अलोंग। अब जैसे मान लो कि दूसरा, जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और एक ये कोई वेक्टर है बी जिसकी लंबाई कुछ होगी मॉड, मैंने बी मान लिया। अब मैं जो कहा गया कि इस बी का ए के अलोंग वेक्टर बताओ कितना है, इस बी का ए के अलोंग बताओ, तो मैं कहूंगा कि अगर ये वाला एंगल थीटा पता होगा तो मैं इसका ये वाली लंबाई निकाल लूंगा तो क्या ये वाली लंबाई मॉड बी कॉस थीटा आएगा क्या, बताओ क्या ये मॉड बी कॉस थीटा आएगा। अब कोई कहेगा कि नहीं ये मॉड बी कॉस थीटा जो ये वाली लंबाई है उसको ए के डायरेक्शन में लिखो, इसका वेक्टर लिखो, अभी तो ये मैग्नीट्यूड है, अभी जो ये लिखा है वो है आपका मैग्नीट्यूड। और कोई आपसे कहे कि नहीं इसको हमको वेक्टर के क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट मॉड बी कॉस थीटा अगर मैं ए वेक्टर लिखता हूं तो मैं इतनी लंबाई तो लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ए लंबाई का मतलब ये जितना यहां से यहां तक है वो पूरे में मैं इस वाले स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
लेकिन हमको सिर्फ इतना लिखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस ए वेक्टर को यूनिट पार्ट में तोड़ेंगे, और यूनिट पार्ट में मतलब ये डायरेक्शन नहीं है, क्या हो जाएगा, यूनिट पार्ट में तोड़ने का मतलब मॉड कॉस मॉड बी कॉस थीटा, ये आपका ए गैप हो जाएगा। अब ये आपका यानी डायरेक्शन ऑफ बी किसके अलॉन्ग हो गया, एलॉन्ग ए के एलॉन्ग बी का डायरेक्शन हो गया। अरे बात समझ में आ रही है, अब इसी में आगे चल के बताऊंगा प्रोजेक्शन, जब बताऊंगा कि इसके परपेंडिकुलर भी पूछता है, और सवाल मेंस में इसे भी पूछता है कि बी का जो ये बी का ए के एलॉन्ग और ए के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, तो ए के एलॉन्ग तो आप फटाफट मॉड बी कॉस थीटा कर लिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए आगे जब डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा तो उसमें मैं आपको कराऊंगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे लिखते हैं, फटाफट नोट कर लो, ये नोट करना होगा शायद तो। हाँ अगला अपन लोग लिखेंगे, हाँ एक पॉइंट करके लिखो, लिखो एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, देयर इज ओनली टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर मात्र दो वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक परपेंडिकुलर के आउटवर्ड और एक प्लेन के आउटवर्ड और एक प्लेन के इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ, यदि अगर ये प्लेन का ये प्लेन है तो इसके यहां से एक बाहर आ सकता है या एक अंदर जा सकता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसी में नीचे करके, देयर इज इनफाइनाइट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ लाइन या वेक्टर कह सकते हैं, एक वेक्टर के या एक लाइन के इनफाइनाइट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखो ये अपने पास एक वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर ये भी वेक्टर है और इसको मैं 360 रोटेट करूं तो ये हर बार परपेंडिकुलर है, दिख रहा है क्या, तो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर या एक लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर होते हैं, जबकि एक प्लेन के परपेंडिकुलर कितने होते हैं, मात्र दो। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया। फिर आगे लिखेंगे फ्री वेक्टर, नेक्स्ट लिखेंगे फ्री वेक्टर, फ्री एंड लोकलाइज्ड, कई साथ लिख लेते हैं, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, ये सिर्फ नाम है, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, ये सिर्फ एक नाम है, महज एक नाम है, तो चूंकि कभी कभी किताब में दिख जाता है इसलिए हम करा दे रहे हैं। लिखो, अ वेक्टर व्हिच कैन बी शिफ्टेड, अ वेक्टर व्हिच कैन बी शिफ्टेड इन अ प्लेन, अ वेक्टर व्हिच कैन बी शिफ्टेड इन अ प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, इफ इट इज नॉट शिफ्टेड देन इट इज लोकलाइज्ड अगर हम इसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो यह लोकलाइज हो जाएगा। जैसे देखो, एक आपके पास वेक्टर ये हो गया, ठीक है, ये वेक्टर वेक्टर बी हो गया, और एक वेक्टर आपके पास, एक वेक्टर आपका हो गया ऐसे कुछ, एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक और बात यहीं पे मैं आपके सामने थोड़ा सा रख देता हूं, बता देता हूं कि जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है ना, हमेशा एंगल बिटवीन वेक्टर होता है, तो वेक्टर आपके, इसके लिए वेक्टर मस्ट बी इमर्जिंग या ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट से बाहर निकलते हो, एंड सेम पॉइंट एंड आउटवर्ड, ये बाहर निकलने के साथ साथ बाहर की तरफ हो, मतलब एक जगह से निकलने के साथ साथ बाहर की तरफ हो, जैसे ये और ये दोनों इस पॉइंट से निकल रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल ये थीटा हो जाएगा, जबकि ये और ये इन दोनों में अगर कोई हमसे कहेगा कि क्या ये वाला एंगल थीटा इनके बीच का एंगल होगा, तो मैं मना कर दूंगा कि ये एंगल नहीं होगा। क्या होगा इस केस में, ये वाला वेक्टर इधर लेना पड़ेगा, और जब इधर इस वेक्टर को इधर लेके आएंगे, इसकी लंबाई चेंज किए बिना इसको इधर लेके आएंगे, तो ये जो वेक्टर होगा ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा, ये इनके बीच का एंगल कहलाएगा। बात समझ में आई कि अगर एंगल जो होता है वो सेम पॉइंट से बाहर निकलने वाले वेक्टर्स का होता है, तो अगर फ्री वेक्टर ना हो तो
तो जैसे मान लो ये वेक्टर यहाँ हो गया, ये वेक्टर यहाँ हो गया, अब हमको इनके बीच का एंगल पता करना होगा, तो मैं इसको बिना डायरेक्शन और इसके मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना मैं लेके आऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लेके आया ऐसे, तो यहाँ से ये ऐसे बनेगा, क्या इस केस में एंगल हम निकाल पाएंगे क्या? एक तो इधर जा रहा है, एक इधर अभी अंदर आ रहा है, अभी ये एंगल नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को शिफ्ट करते करते यहाँ नीचे की तरफ लेके आएंगे, और जो ये वाला आया है तो हम कहेंगे अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया थीटा, ये एंगल इनके बीच का कहलाएगा। या इसको शिफ्ट कर सकते हैं या इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इस बार ये वाला शिफ्ट हुआ है एंगल ए, तो ये क्या कहलाएगा बोलो, ये फ्री वेक्टर कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इस बार ये फिक्स था तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये बोलो लोकलाइज वेक्टर हो जाएगा। अगर हम इसको फिक्स करके इसको मूव करा के इधर लेके जाते तो उस केस में ये फ्री हो जाता और ये लोकलाइज हो जाता। अच्छा, अब ऐसे आपके दिमाग में आएगा कि सर दोनों ही फ्री हो जाए तो दोनों ग्रेविटी बिना ग्रेविटी जैसे उड़ते रहेंगे अपने आप हवा में, मतलब एक जो है इधर उड़ रहा है ये उधर उड़ रहा है, हम इनके बीच के एंगल ही नहीं ढूंढ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो एट अ टाइम एक लोकलाइज और एक फ्री वेक्टर होगा। ठीक है, तो आप फटाफट नोट कर ले, या थोड़ी सी जगह है आप इस जगह का यूज कर लेते हैं फिर आप नोट करें। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन, जब भी आपको किसी के बारे में पोजीशन बतानी होती है तो कभी भी आप इंडिपेंडेंटली पोजीशन नहीं बता सकते हो। जैसे कभी भी आप किसी को किसी कोई सी जगह के बारे में बताते हो तो आप बताते हो या तो अपने रिस्पेक्ट में या किसी का आप पर्टिकुलर आप वो एक लैंडमार्क यूज करते हो कि नहीं आपको बनारस बताना है तो आप किसी दिल्ली अगर हो तो आप लखनऊ या किसी चीज का लैंडमार्क बताओगे कि वहां से ये रूट लेना है, यही बगल में आपको किसी जगह का नाम बताना होगा तो आप बोलोगे कि यहां से आपको ऐसे जाना पड़ेगा, या आप यहां हो तो अपने से बोलो कि हमारे राइट या हमारे लेफ्ट में फलाने आदमी बैठा हुआ है। बात समझ आ रही है ना? तो पोजीशन वेक्टर हमेशा है, पोजीशन किसी की भी हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ये किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होती है, किसी न किसी चीज के लैंडमार्क के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। तो यहां पे पोजीशन जो होती है या वेक्टर में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पोजीशन होती है वो होती है आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, अ वेक्टर, क्या लिखेंगे इसको कि पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर कैन बी डिटरमाइन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमेशा ये डिटरमाइन की जाती है। जैसे देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये कोई पॉइंट ए है और ये वाला कोई पॉइंट बी है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये वाला आपके पास ये जो है, अब हमको बताना पड़ेगा कि ए का और बी का पोजीशन क्या होगा। तो हम हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैंने लिखा कि इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये होगा कि ओरिजिन का 0,0 हो गया और ये वाला जो वेक्टर हो गया ना, ये वाला वेक्टर स्मॉल ए हो जाएगा, और जो ये वाला वेक्टर होगा ना, ये वाला वेक्टर स्मॉल बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भले ही ये लिखा गया है कि इस ए का पोजीशन वेक्टर है ये और ये बी का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन इस पूरा यहां से ओरिजिन से इसकी लंबाई ए हो जाएगी और ओरिजिन से इसकी लंबाई बी हो जाएगी। अब कोई आपसे मान लो कोई बोलता है कि ए बी वेक्टर बताओ, तो इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ, बोलो डायरेक्शन किधर की तरफ है, बी की तरफ है या ए की तरफ है? ए बी की तरफ, बी की तरफ है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन इधर बी की तरफ है, तो हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आपका हो जाएगा। और बी का पोजीशन वेक्टर कितना है बताओ, बी का पोजीशन वेक्टर कितना लिखा हुआ है, स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए, ए बी हो जाएगा। अगर मान लो कहीं यही आपका एम एन मिल गया तो हम कहेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, और एन का अगर पोजीशन वेक्टर स्मॉल एन हो और इसका स्मॉल है तो एन माइनस एम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी एक वेक्टर आपका ए बी या किसी वेक्टर को हम उसके डिफरेंस के टर्म में, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, इसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नोट कर लो, पैरेलल वेक्टर, देखो पैरेलल वेक्टर, एक्चुअल में पैरेलल वेक्टर को हम पैरेलल ही नहीं पढ़ते हैं, जैसे पैरेलल वेक्टर को एज इट इज डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। जो पैरेलल वेक्टर होगा हमारा, पैरेलल वेक्टर,
ये पैरेलल वेक्टर इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो लाइकवाइज पैरेलल और एक अनलाइकवाइज पैरेलल या एंटी पैरेलल। लाइकवाइज पैरेलल ये भी मेंस में नाम ले चुका है एक बार, और ये है अनलाइकवाइज पैरेलल। अब इसे पिछले साल ना इसी साल के जनवरी वाले अटेम्प्ट में लिया था अनलाइकवाइज पैरेलल और ये लाइकवाइज पैरेलल। लाइकवाइज पैरेलल का मतलब एक समान पैरेलल, जैसे ये है दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और अनलाइकवाइज पैरेलल का मतलब या एंटी पैरेलल का मतलब इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक का इधर डायरेक्शन हो जाएगा तो एक का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और पैरेलल वेक्टर के लिए मतलब नहीं है कि दोनों की लंबाई बराबर हो या दोनों की लंबाई अलग अलग हो, आ रही बात समझ में। तो ये पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं। आते हैं इसके बाद, फटाफट नोट कर लो, इसके बाद इक्वल वेक्टर पे हम आते हैं या कोलिनियर वेक्टर पे आते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ना, कोलिनियर वेक्टर जो है आपका, कोलिनियर वेक्टर लिख लेते हैं कि टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन वेक्टर इज इनिशियल पॉइंट ऑफ अदर वेक्टर। दो वेक्टर तभी कोलिनियर का एंड दे आर पैरेलल यानी उनका सबका डायरेक्शन भी सेम हो, एंड दे आर पैरेलल। क्या है कहना क्या चाहता है ये, यहां पे कुछ ऐसे कह रहा है कि देखो एक वेक्टर ये हो गया, अगर मान लो ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो इसका डायरेक्शन अगर ये है तो इसका इनिशियल ए होगा और फाइनल क्या होगा, टर्मिनल बी होगा। तो दूसरा कोई वेक्टर होगा तो इसका टर्मिनल दूसरे का अगर इनिशियल बन जाए तो उस केस में हम कहेंगे ए बी और बी सी पैरेलल है, ये कोलिनियर है अगर इनका डायरेक्शन भी सेम हो जाए, पैरेलल हो जाए। बात समझ में आ रही है, तो दिख रहा होगा कोलिनियर का मतलब दोनों एक लाइन में हो गए। और यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि इस ए बी को बी सी में जोड़ा गया, और इसको ए बी से बी सी में जोड़ा गया तो पूरा कितना मिल गया, कितना मिल गया, देख लो पूरा यहां से यहां तक मिल गया कि नहीं, इस ए से लेके सी तक, आई बात समझ में। तो पूरा ए सी हो गया, पहली बात हो गई है। दूसरी बात कि एक और बात हम लिख सकते हैं, इस ए बी को अब ए बी और ए सी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम एक और चीज लिख सकते हैं, लेमडा टाइम बी सी लिख सकते हैं। हमको ये नहीं पता है कि कितनी लंबाई है ए बी और बी सी के लंबाई में कितने का फर्क है, लेकिन कुछ तो फर्क होगा, जो फर्क कौन मेंटेन करेगा, लेमडा, कम ज्यादा जो भी होगा मैं लेमडा मेंटेन करेगा, लंबाई को और डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तीसरी बात कि इंडिपेंडेंटली मैं लिख रहा हूं, अगर मान लो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम ए सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी दोनों के डायरेक्शन सेम है। चौथी बात मैं लिख रहा हूं कि अगर आपका ए बी एंड कोई बी सी या ए बी एंड कोई सी डी दो वेक्टर पैरेलल है, आर पैरेलल, देन तब भी हम ये बात लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम सी डी। आई बात समझ में। अब इसका मतलब ये पता चलता है कि अगर कहीं पे इंडिपेंडेंटली आपको लिखा हुआ मिल जाए कि भाई अगर मान लो लिखा हुआ मिल जाए कि ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम बी सी, तो आप ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम बी सी, इससे आप क्या बताओगे कि ए बी और बी सी कोलिनियर है कि पैरेलल है। अगर ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम बी सी मिलेगा तो आप क्या बताओगे, ए बी और बी सी कोलिनियर है कि पैरेलल है, बोलो कोलिनियर है, पैरेलल का चांस, पैरेलल तो होगा ही होगा। अच्छा लेकिन अगर ऐसे मिल जाए तो ए बी बराबर लेमडा टाइम पी क्यू, अब हम ए बी और पी क्यू के बारे में क्या कहेंगे, कोलिनियर है पैरेलल, बोलो कोलिनियर कहेंगे कि पैरेलल कहेंगे, ये तो सिर्फ पैरेलल होंगे। वजह क्यों होगी, क्योंकि ए बी अगर कोलिनियर के लिए इसका एंड उसका इनिशियल होना चाहिए था, टर्मिनल उसका इनिशियल होना चाहिए था, यहाँ पे दोनों अलग अलग है कि इस ए बी का और पी क्यू दोनों वेक्टर अलग अलग है, सिर्फ इनका ये लेमडा लगा देने का मतलब है कि इनका डायरेक्शन सेम है।
आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पैरेलल, यहाँ पे कोलिनियर नहीं होगा, एक पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है, नोट करना है क्या पूरा? ये नोट करो फटाफट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपका इक्वल हो तो ये कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। तो ये आपका द वेक्टर विच हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द वेक्टर विच हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, फिर लिखो निगेटिव वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? जैसे देख लो, एक ये वेक्टर हो गया, ठीक है, और एक ये वेक्टर हो गया। इस बार ये वाले दोनों वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर, मैंने कहा ए है क्योंकि इसकी लंबाई सेम है, दिख रहा है, डायरेक्शन अलग है, तो इसका डायरेक्शन इधर साइड में, इसका डायरेक्शन इधर साइड में, तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस है। यानी अगर मैं लिखूं कि ए बी, अगर आपका कोई वेक्टर ए है तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस है, क्योंकि अब शुरू होगा बी से, शुरू होगा ए पे, खत्म होगा, और इस बार ए से शुरू हुआ, खत्म बी पे हुआ। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अब आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं आपका डायरेक्शन को साइन थोड़ा सा पढ़ते हैं। अरे लोड कर लो फटाफट, इसमें कौन सा है ये डायरेक्शन को साइन? डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। थोड़ा सा अब थोड़ा सा नया चीज हम सोचे कि बता देते हैं, बहुत पुरानी चीजें करते करते आ रहे हैं। डीसी एंड डीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गए जिस दिन, उस दिन तुम लोगों के वेक्टर का 3D वाला पार्ट बहुत आसान हो जाता है। 3D वाले पार्ट में बस डीसी और डीआर ही चलते हैं। अच्छा, डीसी भी डिस्कार्ड कर देते हैं, सिर्फ डीआर चलता है 3D वाले पार्ट में। लेकिन पहले यहां भी देख लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो है क्या। तीन मार्कर या तीन पेन मिलेगी क्या मुझे? तीन पेन दे दो बस, चार पेन चाहिए टोटल। एक तो मार्कर है मेरे पास, बस थोड़ा सा आपको ये समझा देते हैं कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन है क्या। यहाँ पे ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीन एक्सिस यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे अपने पास तीन एक्सिस दे दो, ये तीनों पेन दे दो। जैसे देखो ये अपने पास है तीन एक्सिस, मैं मान लो बना दिया ऐसे, ये तीन एक्सिस दिख रहे हैं सबको। नींद आ रही है क्या संगम तुम्हें? नींद आ रही है क्या तुमको? लग तो रहा है रात को जल्दी फ्री फायर खेला है रात को, है फ्री फायर को लगातार, तो पबजी तो बंद हो गया, बहुत दुख की बात है। पबजी का जनाजा निकाले थे कि नहीं? छोड़ दिए थे, सही है, छोड़ दिए। तो फ्री फायर चल रहा होगा? नहीं खेलते। अच्छा, तो ये है आपका तीन, मैंने तीन यहाँ पे तीन एक्सिस मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब ये तीन एक्सिस, ये मैंने मान लिया, देखो ये ग्रीन वाली आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाली आपका वायलेट वाली वाई एक्सिस हो गया, ये ऊपर वाली जेड एक्सिस हो गया रेड वाली, ठीक है। अब यहां से कोई ये एक वेक्टर है, अब ये वेक्टर दिख रहा होगा, दिख रहा है ये वेक्टर, ये वेक्टर इस वाले से कोई एक एंगल बना रहा है, दिख रहा है, और ऐसे ही इस वाई वाले से कोई एक एंगल बना रहा है, और इस जेड वाले से कोई एंगल बना रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अगर मैंने कहा कि इस वेक्टर की लंबाई आर है, तो ये वाली लंबाई, इस वाले एंगल को मैंने अगर अल्फा कहा, उस वाले एंगल को बीटा कहा, इस वाले एंगल को गामा कहा, किसी के मन में तो ऐसा तो नहीं आ रहा है ना, क्लियर से जरा देख लो, ऐसा तो नहीं आ रहा है ना कि एक्स से अगर एंगल अल्फा है तो वाई से एंगल 90 माइनस अल्फा, किसी को तो ऐसा नहीं दिख रहा है ना कि एक्स से एंगल अगर अल्फा है तो वाई से एंगल उसका 90 माइनस अल्फा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना ये? क्योंकि अगर ऐसा दिखेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये 3D में आपका है, और 3D में अगर ये आपको बना हुआ है 3D में कुछ, तो अगर इस प्लेन में होता, जिस प्लेन में एक्स है उस प्लेन में, एक्स और वाई के प्लेन में होता, सेम प्लेन में, तो उस केस में यहां का एंगल अल्फा होता तो इसका एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाता, किसी प्लेन में होता। तो इस बार इसी प्लेन में नहीं है, ये वाला जो वेक्टर हो गया, एक और पेन दे दो ना, एक और पेन दे दो, हाँ ये पेन दे दो। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, गजब हमसे बन ही नहीं रहा आज, बहुत दिन हो गए छोड़े हुए, पता चल रहा है कि छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। देखो यहां पे ये हो गया मान जरे, हाँ देखो यहां पे ये, देखो ये वाला एंगल अल्फा है
और ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है। अगर यहां यही वाला वेक्टर यहां होता तो ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, आगे बात समझ में। लेकिन ये यहां होने की वजह से इन तीनों एक्सिस से एंगल इसका अलग अलग हो गया। अब अगर मैंने कहा कि ये वाला एंगल अल्फा है तो एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन यानी इसकी लंबाई कितनी होगी, तो अगर ये लंबाई, अगर मैंने कहा था कि ये लंबाई अगर r है तो ये वाली लंबाई इसके पे क्या ये अल्फा, तो ये 90 डिग्री में लूंगा यहां से, ये 90 डिग्री तो क्या इसका cos अल्फा लगाते ही 10 बाई 10 हो जाएगा, तो क्या इसकी लंबाई क्या ये r cos अल्फा आ जाएगा क्या, बात समझ आ रही कि नहीं। तो ऐसे ही तीनों का हम निकालेंगे तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन का मतलब डायरेक्शन का कोसाइन होता है। तो पहले तो यहां ये हम समझ गए कि यहां पे डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन आपका है जैसे देखो ये आपके पास एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर आपका आर वेक्टर हो गया, ये वेक्टर आपका आर कोई हो गया, आर वेक्टर का मतलब यहाँ ये जीरो कामा जीरो है, तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक पूरा इसकी लंबाई आर हो गई, और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं कहूं आर तो ये वाला पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा और इसकी लंबाई मॉड आर हो जाएगी। इससे एंगल अल्फा बना रहा है, इससे एंगल कितना बना रहा था बीटा, 90 माइनस अल्फा नहीं बना रहा था ना, ये बीटा था ना ये, और जेड एक्सिस से एंगल कितना बना रहा था, ये मैंने कहा गामा बना रहा था, ठीक है। अब जरा देखो ये वाली, अगर मैं इसको यहाँ पे ये लंबाई की बात करूं, ये इसकी लंबाई की बात करूं, तो क्या यहां से ये लंबाई के लिए क्या यहां से मैं इसका अगर मैं कॉस अल्फा ले लूं तो 10 बाई 10 हो जाएगा, और इसका मतलब कि इसकी लंबाई आर कॉस अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड आर कॉस अल्फा। अच्छा इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तब यहां से इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बोलो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, मॉड आर कॉस बीटा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। और ऐसे ही ऐसे इसका प्रोजेक्शन कुछ इस पे होगा, इसकी लंबाई हो जाएगी मॉड आर कॉस गामा, बोलो बात समझ में आया। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए इस आर वेक्टर की पोजीशन वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखूं, तो ये लिख सकता हूं या मैं लिख सकता हूं इसका पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड, तीनों एक ही बात लिखी गई, दोनों एक ही बात लिखी गई है। इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट चला, यहां पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट चला, वाई एक्स, देखो एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट चला है ना, ये वाई एक्सिस पे कितना चला वाई यूनिट, और जेड एक्सिस पे कितना चला जेड यूनिट। अरे बात समझ में, क्या एक्स एक्सिस पे यही वाली लंबाई चला है क्या एक्स यूनिट, बात समझ में आया क्या, क्या ये वाली लंबाई यही आपको वाई यूनिट चला है क्या, और ये वाली लंबाई क्या चला है आपका जेड यूनिट, बात समझ में आया। तो क्या अब हम r वेक्टर को ऐसा, इस r वेक्टर को अब ऐसा लिख सकते हैं क्या कि मॉड r cos अल्फा x i कैप x के जगह पे प्लस मॉड r cos बीटा j कैप प्लस मॉड r cos गामा k कैप, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। पूरे में से कॉमन क्या हो गया, बोलो क्या हो गया पूरे में से कॉमन मॉड आर, तो ये आर वेक्टर अपॉन इनटू मॉड आर, ये हो जाएगा कॉस ए अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अच्छा इस आर को यहाँ पे जाके डिवाइड कर सकते हैं, मैं इसी लाइन में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मॉड आर आ गया, और आर अपॉन मॉड आर क्या देता है यूनिट वेक्टर, क्या देता है यूनिट वेक्टर, तो हो जाएगा आर कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। बोलो क्या यहां पे, क्या ये अल्फा मतलब डायरेक्शन था, किधर से डायरेक्शन था, ये अल्फा कहां से था एक्स एक्सिस से था या नहीं था, बीटा कहां से डायरेक्शन था वाई एक्सिस से, गामा कहां से था जेड एक्सिस से, और इस अल्फा का कॉस लिया गया तो ये कोसाइन हो गया, अरे बात समझ में, और अल्फा डायरेक्शन था तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, क्या हो गया ये डायरेक्शन कोसाइन, ये वाला क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन, और ये वाला भी डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन ये डायरेक्शन कोसाइन किसके लिए है, क्या कहां से है ये वाई एक्सिस से, और ये कहां से है जेड एक्सिस से, तो हम बोलेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइन अलोंग, ये जो है वो डायरेक्शन कोसाइन किसके अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, बात समझ में आया। ये डायरेक्शन कोसाइन कहां से हो गया, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला आपका हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस, बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा अब एक बात देखो, ये क्या लिखा गया है यूनिट वेक्टर है, ये क्या है यूनिट वेक्टर, अगर मैं मॉडुलस दोनों तरफ ले लूंगा, टेक मॉडुलस, मॉडुलस लूंगा तो आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर का मॉड यानी लंबाई मैग्नीट्यूड कितना होता है
वन, और इसका हो जाएगा इधर वाले का आपको आई जे कह कर कभी बचपन में पढ़ा होगा, क्या हो जाता है यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आई बात समझ में, यानी वन इज इक्वल टू आ गया कॉस स्क्वायर। ये रिलेशन भी कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, जरूर देखा होगा, कहाँ देखा होगा, फिजिक्स में थोड़ा सा जरूर जरूर बताया गया होगा, बताया गया होगा कि नहीं कि जब डायरेक्शन को साइन है तो उसको लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, पहली बात। दूसरी बात कि जब डायरेक्शन को साइन तभी हो रहा है जब यहाँ इसको इधर साइड में या किसी भी एक साइड में यूनिट वेक्टर बन रहा है। क्या इधर साइड में यूनिट वेक्टर बन रहा है? क्या जब यूनिट वेक्टर बन रहा है तब आई का कोफिशियंट डायरेक्शन को साइन है, जेड का कोफिशियंट, जे का कोफिशियंट डायरेक्शन को साइन है, और के का कोफिशियंट डायरेक्शन को साइन है। यानी आपसे अगर कोई एक वेक्टर ले ले, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर ले लिया जाए ए, और इसको मान लो 2i प्लस 3j प्लस प्लस आपका 3k आपके सामने आ जाए, और कोई कहे कि इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ, थोड़ा सा संगम डायरेक्शन कोसाइन कोई कहे आपसे बताने के लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो लिखा है वो डायरेक्शन आई जे के का कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन तब होगा जब इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो आई वाला कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन होगा, जे वाला के वाला अलग अलग होगा। तो पहले क्या बनाएंगे, इसको ए कहे बनाएंगे, और एक कैप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन इसका मॉडुलस कितना है, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बता दो भाई से क्या भाई से ना, ये 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब हम कह सकते हैं 3k, अब हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा यहाँ पे है 2 अपॉन रूट 22, कॉस बीटा है यानी डायरेक्शन कोसाइन 3 अपॉन रूट 22, और कॉस गामा है 3 अपॉन रूट 22। ये तो बात हो गई डायरेक्शन कोसाइन के लिए। अच्छा, जो यहाँ पे लिखा गया था ये वाला, ये क्या इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन था क्या? जो ये लिखा गया था क्या था, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन था क्या ये? यानी ये वाला जो लिखा गया था, ये यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा और आपसे ले रहा हूं मौका कि प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन किस पे, एक्स एक्सिस। अरे यार समझ में, ये क्या था प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस, ये था, ये भी था प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस, और ये वाला क्या था प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन जेड एक्सिस। यानी जो ये आपका कोई एक वेक्टर लिखा गया है, देखो यहीं पे थोड़ा सा कहीं जगह दिख रहा है क्या, कहीं नहीं, जगह नोट कर लो, फिर हम जगह फिर बनाते हैं जगह। ये है, थोड़ा सा मैं इस इधर से इसको साफ करता हूं, देखो दो तीन बातें जो कि हमको समराइज करनी है यहां पे। एक तो आपका ये कि जो ये r वेक्टर लिखा जा रहा है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसमें जो ये है ये क्या है प्रोजेक्शन ऑफ, जो x है वो प्रोजेक्शन ऑफ किसका है, r का, किसके ऊपर, आज एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। कौन बता रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्या ये x बता रहा है या i बता रहा है, आई बता रहा है, मतलब आई का कोफिशियंट होने की वजह से ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स लिखा है तो एक्स एक्सिस की वजह से, बात समझ में आ रही है ना। और ऐसे ही ये आपका वाई का, ये आपका है प्रोजेक्शन ऑफ आर, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है, ये आपका दूसरी बात आ गई, ठीक है। अच्छा, जो अभी हमने आर कैप इज इक्वल टू लिखा था कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, तो यहाँ पे जो ये है इसको सिंप्लिसिटी के लिए कई बार हम इसको एल लिखते हैं, कई बार इसको एम लिखते हैं, कई बार इसको एन लिखते हैं, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए। मतलब थोड़ा सा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, बार बार थोड़ा ज्यादा जगह लेता है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। और ऐसा लिखने के बाद से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी, क्या वही हो जाएगी ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, ये बात हो गई आपके पास। और ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है। अच्छा, ये जो है, जो ये आर इज इक्वल टू लिखा जा रहा था मॉड आर कॉस अल्फा, मैं बता दे रहा हूं यही पे, बाकी इसकी डेफिनेशन थोड़ी देर आगे लिखाता हूं, पहले तो लिख देते हैं डी आर क्या होता है, फिर मैं बताता हूं आपको। डी आर,
डी देखो क्या हुआ कि जब डायरेक्शन कोसाइन का जब खोज हुआ ना तो लोगों को बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है अब वेक्टर में काफी हमें ठीक चीज मिल गई, कॉस अल्फा मिल गया, कॉस बीटा मिल गया, कॉस गामा मिल गया, एक ऐसी चीज मिल गई जिसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गया उनके लिए लगा ऐसा। लेकिन जब कैलकुलेशन करने चले तो कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी तो हो सकती है, अरे वन बाय रूट 33 भी हो सकती है, रूट 44 बाय रूट 55 भी हो सकती है, बात समझ में आ रहा है क्या। इस तरह की जब चीजें होने लगी तो लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन को डिस्कार्ड करना चालू किया कि तो कैलकुलेशन और गंदा होने लगा, इसको सहूलियत के चक्कर में पड़े लेकिन इसका कैलकुलेशन और गंदा होने लगा। तब अब उनको लगा कि भाई इतनी अच्छी चीज डिस्कवर करने के बाद भी हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, तो जब इसको डिस्कार्ड इसका होना चालू हुआ तब आया आपका नया टर्म डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब उसी के रेशियो में होने वाला टर्म, डायरेक्शन के ही रेशियो यानी डायरेक्शन कोसाइन के ही रेशियो में होने वाला टर्म। क्योंकि अगर रेशियो मान लो कि कोई कहता है कि रेशियो 1:3:5 है या मैं कहूं कि 3:9:15 है तो दोनों एक ही बात है क्या, बोलो क्या है ये वाली बात और ये वाली बात, रेशियो तो सेम है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अगर मुझे इससे कैलकुलेशन काम नहीं बनेगा तो मैं इस वाले से कैलकुलेट करके अपना काम बना सकता हूं। मान लो कहीं पे आ गया 1/√2:3/√2:5/√2, ये कितना गंदा हो गया कैलकुलेशन, दिख रहा है क्या। लेकिन मैं इसका तुरंत रेशियो बना लू 1:3:5 तो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा, जबकि दोनों का ही रेशियो अभी भी सेम है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अब जब इसमें ऐसे टर्म आने चालू हुए थे इस वाले में, लेकिन जब उसको डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट किया गया तो ये जो अंडर रूट वाले चीजें हैं या जो बेकार की चीजें हैं वो हट के फिर से इंटीजर में बदलने लगी, तो डायरेक्शन रेशियो एडॉप्ट किया जाने लगा। और सबसे बड़ा क्रांति वेक्टर का यही था कि डायरेक्शन रेशियो को लोगों ने यूज करने लगा, क्या कि इट इज सेम रेशियो या इन द डायरेक्शन रेशियो डी आर इज द रेशियो इन द ऑफ यस डायरेक्शन रेशियो इज द रेशियो ऑफ डी सी। अरे बात समझ में, डीसी का डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, यानी L:m:n क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप सच में देखो तो अगर मान लो कोई एक वेक्टर ए है, ध्यान से देखना वेक्टर ए है, अगर मैंने कहा वेक्टर ए a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं कहूं कि इसका L की वैल्यू क्या होगी, तो क्या कोई मुझे डायरेक्ट बता देगा क्या कि a1 / a के बराबर होगा क्या, अरे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं a कैप के टर्म में कन्वर्ट करूंगा और a कैप का मतलब a वेक्टर / a हो जाएगा, तो ये a1 / a हो जाएगा, यानी a1 का मतलब a1 ही रहेगा, मॉड a का मतलब हो जाएगा a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर + a3 का स्क्वायर, बोलो सही है। फिर क्या L के बाद m की वैल्यू अगर कोई लिखने के लिए कहेगा तो a2 / वही सेम चीज है, और फिर n की वैल्यू कोई कहेगा लिखने के लिए तो n3 / वही सेम चीज है, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन एक डायरेक्शन रेशियो जो लिखा गया नीचे, डायरेक्शन कोसाइन एक डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो हमको डायरेक्शन, अब इसका कैलकुलेशन बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदा सा दिख रहा है, बात समझ में, कैलकुलेट करने में काफी हालत खराब हो जाएगी। तब अगर मैं इसी का रेशियो ले लूं m:n:n, यानी इसी को मैं dr में बदल लूं, तो क्या ये a1 / √a2 / √a3 / √ यही बन जाएगा क्या। अब क्या इस अंडर रूट को नीचे सेम चीज है तो हटा सकते हैं, हटाने के बाद क्या बन जाएगा ये a1 / a2 / a3। अरे बात समझ में, अब जो ये देखो अब dr क्या हो गया कि ये आपका सीधे क्लियरली दिखने लगा, मतलब हमारे पास dr मिल गया a1 a2 a3। कई बार ऐसे लिख के इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं, अरे बात समझ में, इस कामा लगाते हैं तो इस तरह के ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब अगर मैं पूछ रहा हूं कि एक वेक्टर a है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, अगर मैं इसका पूछूं कि dr कितना है तो आप कितना dr बताओगे, कितना 2:3, मतलब 2, 3, 4, बोलो ऐसे लिख सकता हूं मैं। अच्छा मैंने एक वेक्टर लिया यहाँ पे b, मैंने लिया कि 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप, अब मैं पूछ रहा हूं कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ कितना हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बोलो
टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के बाई कितना, अंडर रूट में टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, मतलब क्या है, चार नौ छत्तीस, चार नौ छत्तीस फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन का अंडर रूट। अरे बाप रे, बड़ा कठिन हो गया जी। ये टू बाई सेवन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप, यानी डीसी क्या हो गया यहां से, ये ऊपर वाला हटा दो, नोट कर लिया हो क्या ये, नहीं तो रुक जाओ, है जगह अभी यहां पे है थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, डीसी यहां पे आ गया इसका टू बाई सेवन थ्री बाई सेवन सिक्स बाई सेवन, लेकिन डीआर कितना है इसका, टू थ्री सिक्स। बात समझ में आ रही है, ये भी नहीं है और भी छोटा है, बताओ और क्या है, और क्या ले सकता हूं मैं, क्या वन, नहीं सॉरी नहीं नहीं, नहीं। हाँ ये नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता। तो ये इस रेशियो में आने वाले जितने सारे टर्म हो जाएंगे, जैसे मान लो कि कभी डीआर, अच्छा डीआर ये है तो इसके अलावा और भी मैं ले सकता हूं, चार छह बारह बोल ले सकता हूं, सेम बात है। क्या मैं डीआर ये भी ले सकता हूं क्या, कि ये आपका छ नौ अट्ठारह बोल ले सकता हूं क्या, सेम रेशियो है कि नहीं रेशियो है। तो अब जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे इसका हम कैलकुलेशन में यूज करने लगे, तो ये डीआर बन गया। डीआर मतलब एक बार डीसी का जो रेशियो आ गया वो तो एक हो गया, उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ी उसको हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, उसी रेशियो में कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो रहा। ठीक है, अब नोट कर लो, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, जैसे देखो ये सब है, देखो ये सारे के सारे क्या इसी एक पॉइंट से निकल रहे हैं क्या सारे वेक्टर, तो ये सब के सब वेक्टर क्या कराएंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, क्या ये वाले वेक्टर को इनिशियल कराएंगे क्या, ये और ये बताओ को इनिशियल वेक्टर कराएंगे क्या, ये को इनिशियल नहीं है, नॉट को इनिशियल। लेकिन मैं अगर इनमें थोड़ा सा कहूं कि ये वाला जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी वेक्टर अगर फ्री वेक्टर है, तो मैं इसको यहां से मूव करा के इधर लेके आ सकता हूं, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किया बिना लेके आ सकते कि नहीं ऐसा। अब जो ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर अगर जो मैं कहूं कि वेक्टर बी अभी भी ये है लेकिन ये थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये वाला और ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, अब इनको मैं कह सकता हूं क्या कि ये कोइनिशियल है, यानी अब ये सेम पॉइंट्स है। अच्छा जरूरत क्यों पड़ रही है हमको ऐसा करने की, जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि एंगल नहीं, एंगल क्योंकि इनके बीच का क्या निकालने के लिए, क्योंकि इस समय हम एंगल नहीं बता सकते हैं, मैं बताया था ना तुम्हें उस समय। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक बट, डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक बट, डायरेक्शन रेशियो आर इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारी होती है, अनलिमिटेड होती है। आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन किसे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो ए वन अपॉन अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो यूनिक ही होगा ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर कई सारे थोड़ी होंगे, एक बार जो आएगा वो आ जाएगा, ए टू अपॉन अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर हो गया। या मैं सिंपल एग्जाम्पल से लेके करता हूं कि अगर आपके पास ए वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस 6k, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, क्या 2 बाई सेवन कामा 3 बाई सेवन कामा माइनस 6 बाई सेवन, बोलो यही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा कई बार इस डीसी को ना या तो ये या का मतलब ये समझना कि अल्टरनेट नहीं है, ये माइनस 2 बाई सेवन माइनस 3 बाई सेवन 6 बाई सेवन, देखो एक ही बात है, ये सिर्फ क्या हुआ है डायरेक्शन बदल गया है, अभी तीर ऊपर की तरफ जा रही थी, अब इसमें क्या होगा तीर नीचे की तरफ आएंगे, अरे बात समझ में ना, लेकिन चाहे ये दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन आपका ये हो गया। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियो के बारे में कोई नाम लेता तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, एक तो हम कहते हैं कि पहला ही टू थ्री माइनस सिक्स पहला ही है, फिर हम कहते कि नहीं टू ये वन कामा थ्री बाई टू कामा माइनस थ्री ये भी है या नहीं है, या हम कहते कि ये आपका सब में दो दो से मल्टीप्लाई कर दो तो चार छ माइनस बारह ये भी है कि नहीं है, ऐसे कितने हम लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो आपका इनफाइनाइट होता है। एक और पॉइंट लिखने के बाद हम बंद कर देंगे आज,
थोड़ा सा देख लो, पहला दिन है तुम लोगों का, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। तो आपका ये हो जाएगा, जैसे कि जैसे मान लो कि हमने एक अभी थोड़ी देर पहले एक चीज लिया था यहाँ पे वेक्टर, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, एक एवी वेक्टर लिया था, सबको दिखा होगा ए बी, किस जगह पे लिया था, कोई मुझे नाम बताएगा कहाँ पे मैं इस चीज दिखाया था, ऐसा कहाँ दिखाया था मैं, ये पोजिशन वेक्टर पे दिखाया था, नहीं दिखाया था कि ये वाला अगर ए वेक्टर है ये वाला बी है तो इसका वेक्टर हो जाएगा ए और इसका वेक्टर हो जाएगा बी। अरे बात समझ में, मतलब अगर कभी आपको प्लेन में कहीं इंडिपेंडेंटली यहाँ पे दिख जाए कि इसका वेक्टर पोजिशन वेक्टर पी है, तो ये अकेला नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में लिया गया होगा, ओरिजिन, कहीं यहाँ कहीं ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा होगा और इस वेक्टर की लंबाई पूरा वेक्टर पी हो रही होगी। आ रही बात समझ में, ऐसा रहा होगा। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है। अब अगर मान लो कि मैंने वेक्टर बी को बोला कि ये आपका कुछ एक्स टू कामा वाई टू कामा जेड टू है और ये कुछ वेक्टर ए जो है ये कुछ आपका एक्स वन कामा वाई वन कामा जेड वन है। ये समझ रहे हो ना, कामा लगाने का मतलब एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, और इसे यहाँ पे भी है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि ए बी वेक्टर बताओ, तो ए बी वेक्टर मैं क्या लिखूंगा, क्या पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा, और ये इसका मतलब बी माइनस ए और बी का मतलब एक्स टू आई कैप माइनस प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप x y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्या इन दोनों को सॉल्व करने से क्या ये x2 माइनस x1 आ रहा है क्या, बोलो i कैप आ रहा है क्या, प्लस ये y2 माइनस y1 क्या हो रहा है j कैप प्लस z2 माइनस z1 ठीक है। आ रही बात समझ में, ये तो आपका ए बी हो गया। अब कोई कह देगा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी बताओ, क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ए बी का, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो देख के, एक्स टू माइनस एक्स वन कामा वाई टू माइनस कामा जेड टू माइनस जेड वन। अच्छा कोई आपसे डीसी पूछ देगा तो डीसी क्या हो जाएगा, डीसी ऑफ ए बी क्या, उस केस में कोई मुझे एल की वैल्यू बताएगा कितना हो जाएगा, बोलो एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। क्या ऐसे ही कोई हमसे अगर आपसे पूछ लिया कोई कि आपका एल के बाद एन कितना होगा, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पूरा और फिर जेड टू माइनस जेड वन अपॉन पूरा एन की वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्शन क्वेश्चन यानी किसी भी एक वेक्टर का पोजिशन वेक्टर दिया हो उसके बावजूद भी आपसे डायरेक्शन क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो हम निकाल लेंगे कि नहीं, राव निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो अब ये आपका रहा डायरेक्शन कोसाइन के बारे में खत्म, कल से पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल। मन करे थोड़ा सा पढ़ के आना लॉ ऑफ एडिशन, थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए तो पढ़ के भी आना लॉ ऑफ एडिशन। दो ही लॉ ऑफ एडिशन है, लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और पूरा का पूरा वेक्टर उसी पे टिका है, इन्हीं दोनों लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे। ठीक है, चलो आज के लिए बाय बाय।